हेलो दोस्तों, आप भी इस तरह का ब्लू एंड ऑरेंज फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हो लाइटरूम एप्लीकेशन से, तो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो एडिटिंग कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो चलो बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो शहर पर जाना है, शहर पर जाने के बाद लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फ़ोटो को ऐड करना है। तो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फ़ोटो को ऐड कर लिया। तो करने के बाद लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो गया, होने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। तो होने के बाद ऑल फोटो पे क्लिक करना है। ऑल फोटो पे क्लिक करने के बाद फ़ोटो को ऐड किया, इस फोटो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिटिंग का ऑप्शन आ चुकी है। तो लाइटिंग में जाना है, तो इसको माइनस कर देना है, इतना माइनस कर देना है। फिर हाईलाइट्स को भी माइनस कर देना है 30 के आसपास, 30 माइनस कर देना है। फिर शेडो को प्लस 20 रखना है, 20 प्लस। फिर ब्लैक को माइनस कर देना है 10 के आसपास, 10 कर देना है। फिर जाना है कलर पे, कलर पे जाने के बाद मिक्स टूल पे जाना है। मिक्स टूल पे जाने के बाद ऑरेंज कलर पे जाना है। ऑरेंज कलर पे जाने के बाद सैचुरेशन को माइनस 20 रखना है, 21। लुमिनेंस को भी 20 प्लस करना है। फिर जाना है येलो कलर पे, येलो कलर पे आ चुके हैं। येलो कलर में ह्यू को माइनस 50 के आसपास रखना है, माइनस 50 रखना है। सैचुरेशन को भी प्लस 50 रखना है। फिर जाना है ग्रीन कलर पे, ग्रीन कलर पे जाने के बाद इसका ह्यू को माइनस 100 कर देना है। सैचुरेशन को भी प्लस 20 के आसपास रखना है। फिर जाना है सियान कलर पे, सियान कलर पे जाने के बाद इसका ह्यू को 100 माइनस कर देना है। सैचुरेशन को भी 100 प्लस कर देना है। फिर जाना है ब्लू कलर में, ब्लू कलर में आने के बाद ह्यू को माइनस 100 कर देना है। सैचुरेशन को भी माइनस ना सॉरी प्लीज प्लस 100 कर देना है। फिर इसका लुमिनेंस है, इसको 10 प्लस कर देना है। फिर डन कर देना है। डन करने के बाद फ़ोटो में इफेक्ट डालना है, तो इफेक्ट पे क्लिक करना है। विंटेज की जो है ये वाला ऑप्शन, इसको माइनस 20 के आसपास रखना है। फिर फेदर हो, जो फेदर है इसको, फेदर को प्लस 60 रखना है। फिर जाना है डिटेल्स पे, डिटेल्स पे जाने के बाद शार्पनिंग को प्लस 20 रखना है। इनटू 1 मास्किंग को 10 प्लस करना है। फिर कलर को भी 10 प्लस करना है। फिर लेस में जाना है, लेस में जाने के बाद जो रिमूव का ऑप्शन है इसको दोनों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद देख सकते हो फ़ोटो कैसा एडिटिंग हो चुकी है। पहले ऐसा था, अब एडिटिंग ऐसा हो गया। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर पे जाना है। शेयर में आने के बाद सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। अपनी गैलरी में फ़ोटो सेव। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, एंड वीडियो में क्या कमी था वो भी कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का फोटो एडिटिंग का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।